किया था हम तो नहीं, संस्कृत में पिताजी का नाम दीजिए आप अपने। जब 2019 में 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था और नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई थी तो प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र सिंह ने लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में एक मुद्दे को लेकर हंगामा भी हो गया था और भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2 बार शपथ लेनी पड़ी थी। अहम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना शपेयदहम्। संस्कृत में पिताजी का नाम दीजिए आप अपने। आप अपने नाम के साथ जो है ना पिता का नाम उसमें जुड़ी है। स्वामी पूर्ण चेतनानंद मैंने लिखा था उसमें। नहीं, या तो ईश्वर का नाम लेंगे या नाम लेंगे। मेरा नाम स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी, मैंने उसमें भी लिखा था। साध्वी जी, या तो ईश्वर के नाम पर या संविधान के नाम पर, उसमें स्पष्ट व्यवस्था है। नहीं, ये मेरा नाम है। हाँ, अपना नाम पूरा बोलिए। मैंने उस फॉर्म में भी लिखा था। नाम पूरा बोलिए। दरअसल भोपाल से लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब शपथ लेने लगी तो उनके नाम को लेकर विवाद हो गया। शाम 4:35 के आसपास साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा में सदस्य के तौर पर शपथ लेते हुए संन्यास वाला अपना नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूर्ण चेतनानंद गुरु अवधेशानंद के तौर पर लिया। इस पर स्पीकर और कई सांसदों ने ऐतराज जताया। विपक्ष ने इस पर हंगामा भी किया। अहम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना शपेयदहम्। संस्कृत में पिताजी का नाम दीजिए आप अपने। आप अपने नाम के साथ जो है ना पिता का नाम उसमें जुड़ी है। स्वामी पूर्ण चेतनानंद मैंने लिखा था उसमें। नहीं, या तो ईश्वर का नाम लेंगे या नाम लेंगे। मेरा नाम स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी, मैंने उसमें भी लिखा था। साध्वी जी, या तो ईश्वर के नाम पर या संविधान के नाम पर, उसमें स्पष्ट व्यवस्था है। नहीं, ये मेरा नाम है। हाँ, अपना नाम पूरा बोलिए। मैंने उस फॉर्म में भी लिखा था। नाम पूरा बोलिए। मेरा नाम यही नाम जी, आप अपना नाम लीजिए। अरे, नाम है मेरा साध्वी जी, आप यहाँ देखिए और नाम लीजिए। अहम साध्वी प्रज्ञा सिंह स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, कृपया व्यवस्था बनाइए। रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं बैठे रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। नहीं, पर इसमें पिता का नाम नहीं है ना इसमें। हाँ, इसमें पिता का नाम नहीं है ना। इसके बाद रिकॉर्ड को चेक किया गया, तब जाकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दोबारा शपथ लेनी पड़ी थी। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।